गैंग्स ऑफ गोदावरी टीजर, विश्वक सेन एक नैतिक रूप से अस्पष्ट अकेले योद्धा की भूमिका निभाते हैं। विश्वक सेन, जिन्होंने हाल ही में सर्वाइवल ड्रामा गामी में अभिनय किया था, जल्द ही एक्शन ड्रामा गैंग्स ऑफ गोदावरी में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म के निर्माताओं ने शनिवार को इसका आधिकारिक टीजर जारी किया। ऐसा लगता है कि फिल्म में विश्वक सेन एक अकेले योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, जिसने किसी अनकहे कारण से पूरे गांव को अपने खिलाफ कर लिया है। टीजर नायक की इस घोषणा के साथ समाप्त होता है कि वह कैसे अच्छे आदमी होने का कलंक नहीं चाहता है। गैंग्स ऑफ गोदावरी हिंसा की नैतिक उलझनों से निपटने वाला एक स्टाइलिश और हिंसक एक्शन ड्रामा होने का वादा करता है। गीतकार से फिल्म निर्माता बने कृष्णा चैतन्य ने गैंग्स ऑफ गोदावरी का लेखन और निर्देशन किया है। कृष्णा इससे पहले राउडी फेलो 2014 और चल मोहन रंगा 2018 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस परियोजना को सीथारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फॉर सिनेमाज के बैनर तले सूर्यदेवरा नागा वामसी और साई सौजन्या द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। फिल्म में नेहा शेट्टी मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा अंजलि, नासिर और गोपाराजू रमना जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में हैं। युवान शंकर राजा फिल्म के संगीतकार हैं, जबकि नवीन नूली संपादक हैं। गैंग्स ऑफ गोदावरी 17 मई को नाटकीय रिलीज के लिए तैयार है, जो बॉक्स ऑफिस पर काजल अग्रवाल अभिनीत फिल्म सत्यभामा से टकराएगी।